हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वो वेलकम टू शिक्षा आई होप एवरी पहले इस चैनल को फॉलो कर चुके हैं या इस चैनल के प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी नो कि हमने जब एओ के एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे थे हमने अच्छे से इंडस्ट्रियल रिलेशन के लेक्चर्स देखे थे काफी सारे सो so, वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है बट एक्सपेक्टेशंस हैं कि आने वाले टाइम में एपीएफसी का एग्जाम हो या ईपीएफओ का भी एग्जाम के अंदाजा लगाया जा रहा है कि होगा सो वी हैव सफिशिएंट टाइम एंड इट इज गुड कि हम अभी से इसको प्रिपेयर करें सो आई एम स्टार्टिंग अ न्यू प्लेलिस्ट और अ न्यू कोर्स एंड दिस विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स रहेंगे पहले भी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो भी आप देख सकते हो एंड अब हम नए लेक्चर्स लेकर के आएंगे इसमें कुछ कंटेंट तो देखो सेम होगा जो हमने पिछली बार किया है है ना कुछ नए एडिशन्स और एक बेहतर वे में पिछली बार से एक इम्प्रूव्ड वे में हम यहाँ पर चलने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर लेक्चर्स के अंदर लेक्चर्स में हमारी कोशिश सबसे पहले ये रहेगी कि हम लेक्चर्स को बहुत ज्यादा लंबा ना करें कोशिश ये रहेगी कि 20 से 25 मिनट मैक्सिमम मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 से 25 मिनट हम मैक्सिमम एक लेक्चर का टाइम रखें उससे ज़्यादा लंबा टाइम ना रखें एंड जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम यूट्यूब के ऊपर एड होते रहेंगे जो भी लेक्चर ऐड होगा उसका अपडेट भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलता रहेगा ठीक है।, है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें लिंक के अंदर है चैट ग्रुप है तो वहां पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो ठीक है और पीडीएफ इन लेक्चर्स की जैसे कि पिछली बार हमने सिस्टम रखा था हमने इन लेक्चर्स की पीडीएफ को फ्री नहीं रखा था जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के लेक्चर्स डलेंगे उनकी पीडीएफ आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी जिसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है और पीडीएफ की वैल्यू ऐसा नहीं है कि, कि कोई हजारों रुपए आपसे ले रहे हैं नाइनटी नाइन रुपीज 99 रुपीस की आपको सारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी जो पिछले डले हुए उनकी पीडीएफ भी वहां पर होगी और जिन बच्चों ने पहले से सब्सक्रिप्शन ले रखी है नाइनटी नाइन रुपीज बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार पे किए थे तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है जो उनका कोर्स है उसी के अंदर ये नए वाली पीडीएफ भी एड होंगी सो दे डू नॉट है तो नाइनटी नाइन रुपीज बहुत एक छोटा सा अमाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ एक सीरियसनेस को इनकरेज करने का तरीका होता है ठीक है और कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत पैसा यहां पर कमाना चाहता हूं या आपको कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर आपकी पॉकेट को हार्म होगा नाइनटी नाइन रुपीज आप हर कोई बहुत इजीली अफोर्ड कर लेता है ठीक है अगर आप नाइनटी नाइन रुपीज भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करना है या आप मुझे व्हाट्सएप कर देना इस नंबर के ऊपर ठीक है कि सर आई कैन नॉट अफोर्ड दिस नाइंटी नाइन रुपीज जेन्यनली अगर आपको लगता है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते आप मुझे मैसेज कर देना हम उसका भी वे आउट निकाल लेंगे ठीक है जी तो आज हम पहला लेक्चर शुरू करेंगे एंड पहला लेक्चर विल बी इंट्रोडक्शन एंड अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखना है एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे जेनेसिस देख लेंगे आई का ऑब्जेक्टिव देख लेंगे अप्रोचेस देख लेंगे बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना वो जब आई की तैयारी करते हैं या जो इंस्टीट्यूट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आई की तैयारी कराते हैं तो वो क्या करते हैं बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट के लिए वैसे तो ये हो चुका है अब ऑनलाइन एजुकेशन इज लाइक अ मार्केट की बस किसी तरीके से बच्चे वो खींच लें तो क्या करते हैं वो शुरू ही वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से कर देते हैं बिल्कुल ही और बेसिक चीजें नहीं समझ, समझाते हैं लेकिन अगर आप यूपीएससी का स्पेशली एग्जाम देखते हो तो वो बेसिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है मैं आपको ना लेक्चर्स के बीच में साथ साथ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं ठीक है और एमसीक्यूज के लिए मैं आपको एक बात बता दू एमसीक्यूज के लिए हमारा एक फाइव प्लस इंटरनेशनल रिलेशन फाइव प्लस गैप जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और फाइव प्लस सोशल सिक्योरिटी ये इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं और इनका कॉम्बो भी है तो वो भी आप देख सकते हो इसके अंदर हमने एमसीक्यूज डाले हुए हैं ये एमसीक्यूज ने पिछली बार बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प किया था ईपीएफओ वाले एग्जाम में तो आप ये एमसीक्यूज uh, जरूर देखें आपको हर तरह के एमसीक्यू इसके अंदर मिल जाएंगे क्विज फॉर्म में होते हैं थर्टी थर्टी क्वेश्चन के क्विज बने हुए हैं और काफी हेल्पफुल रहते हैं और जब आप एक बार क्विज कर लेते हो उसके बाद आपको डिटेल सोल्यूशन भी उसके मिलते हैं लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ इंट्रोडक्शन टू आई की बात करते हैं तो देखो आई आर का एक ऐसा कंसेप्ट है आई आर बहुत डायनेमिक कंसेप्ट है ठीक है आई आर इज वेरी डायनेमिक आई आर के अंदर ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर आपको एक ही कंसेप्ट बनता हुआ दिखेगा ठीक है ना ही आई आर की जो प्रैक्टिस है वो आपको कॉमन दिखेंगी पूरे वर्ल्ड के अंदर क्योंकि आई आर जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो वेरियस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी का पैटर्न किस टाइप का है आपकी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है आपकी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है कौन से टाइप का सिस्टम आप फॉलो कर रहे आप हो आप एक कैपिटलिस्ट इकॉनॉमी हो आप एक सोशलिस्ट इकॉनॉमी हो आप एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी हो आप एक मिक्स्ड इकोनॉमी हो तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपकी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सेटअप कैसा है वो भी इसको काफी ज्यादा जो है इफेक्ट करेगा तो डायनेमिक कंसेप्ट है कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा ठीक है सिचुएशन टू सिचुएशन जो है ये वेरी करेगा अब जब हम आईआर की बात करते हैं ना तो आईआर को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं आईआर को बोल सकता हूं कि यार ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है

तो ये बेसिकली जब हम आई को बोल रहे हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर तो ये इंप्लॉई इंप्लॉयर कलेक्टिव बार्गेनिंग सब किस चीज के लिए है ताकि एफिशिएंट प्रोडक्शन हो आप इकोनॉमी की प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को यूज कर सको ह्यूमन वेलबिंग well हो सके जो आपके इंप्लॉईज की फॉर्म में होगा और आपका इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो सके सो बेसिकली आई इन सबको टारगेट करता है एंड ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो वैल्यूज हैं या जो एस्पाइरेशन हैं वो सबके अंदर होंगी ठीक है वैल्यूज देखो आपको हर जगह सेम देखने को मिलती हैं कहीं पर कुछ वैल्यूज थोड़ी ज्यादा होंगी कहीं अगर एक सोसाइटी है तो चाहे उसका एम्प्लॉयर है चाहे उसका इम्प्लॉई है उन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यूज होने वाली है ठीक है ना जेनेसिस की बात करें हम आईआर की तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की एज अ फील्ड ऑफ स्टडी हम जब बात करते हैं एक सेपरेट फील्ड हम बात करते हैं जैसे अलग अलग फील्ड्स होती है ना इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस तो जब हम एज अ फील्ड बात करते हैं तो ये कोई बहुत पुरानी फील्ड नहीं है इंडस्ट्रियल रिलेशन ऐसी नहीं है जो आप सैकड़ों सालों से पढ़ रहे हो जैसे इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स आप देखोगे कि कितना पुराना उसका रिकॉर्ड है ठीक है लेकिन जो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन इसके ऊपर तो अभी रिसेंटली आप देखोगे पिछले सौ एक साल के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो ही है लेकिन एज एन एक्टिविटी एक होता है एज अ स्टडी जो आपने एक प्रॉपर सब्जेक्ट बना दिया किताबें बना दी थ्योरीज बना दी ये होगा वो होगा वो तो सब अभी का है लेकिन एज एन एक्टिविटी तो पुरानी चीज है ना क्योंकि इंडस्ट्री तो हमेशा से रही है इंडस्ट्री तो काफी सालों से रही है तो एज एन एक्टिविटी तो ये काफी पुरानी है लेकिन एज अ फील्ड ऑफ स्टडी ये एक रिसेंट ओरिजन का है और इंडस्ट्रियल रिलेशन की फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो उसमें दो लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सिडनी एंड वेब्स इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है क्योंकि अगर हम सबसे पहला जो मेजर पब्लिकेशन था ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन पहले मेजर पब्लिकेशन uh, की बात करें तो वो इन दोनों की किताब थी एक तो थी अ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म जो इन्होंने 1897 में पब्लिश की और दूसरी थी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जो इन्होंने 1902 में पब्लिश की तो ये दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद होनी चाहिए और इनके ऑथर का नाम भी याद होना चाहिए अभी जो ज्यादातर पहले की किताबें थी ना ये ऐसा नहीं था कि इनमें कोई बहुत सारी थ्योरीज गिवन थी ये ज्यादातर फैक्चुअल होती थी जो भी प्रैक्टिस चल रही होती थी स्पेशली जो इन ऑथर्स की ओरिजिन कंट्री है उसको बेसिकली हाईलाइट करते थे इन किताबों के अंदर अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है नेक्स्ट मैंने आपको बताया ना कि बहुत सी चीजें हमारा पढ़ने का तरीका सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात नहीं है हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर करता है और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हमारा पढ़ने का तरीका गलत है अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन कवर ही नहीं करा रहे और कई बार इंस्टीट्यूट क्या बोल देते हैं और ऑनलाइन बच्चों को गोली दे देते हैं और बच्चे भी उस लॉलीपॉप को खा लेते हैं कि ये यूपीएससी का एग्जाम है इसमें फैक्ट्स नहीं आते ठीक है ये कोई बैंक का पेपर नहीं है ये बोल करके बच्चों को चुप करा दिया जाता है बच्चा भी आगे जाकर के कुछ नहीं बोलता उसको लगता है कि नहीं यार अगर मैं इसमें आर्ग्यू करूंगा तो वो कहेंगे कि तेरा तो कैलिबर ही नहीं है यूपीएससी का ऐसा होता है एक्चुअल में ठीक है और, और शायद आप लोगों ने भी इस चीज को विटनेस किया हो बट उनको बोलो कि पिछले कुछ सालों के पेपर उठा करके देखें दे विल कम टू नो की यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए प्रीलिम्स का मतलब ही ये होता है ठीक है तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी नाइनटीन टू किसने ऑथर किया था आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा अगर पढ़ा हुआ है तो देखो कितना इजीली आप आंसर कर सकते हो चलिए नाउ इफ वी टॉक अबाउट द जेनेसिस तो देखो जब आई आर मैंने आपको बताया ना एज अ सब्जेक्ट कोई बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है ठीक है तो जब तक हम आई आर को एज अ सब्जेक्ट डेवलप करना हमने शुरू किया तब तक और बहुत सारे सब्जेक्ट डेवलप हो चुके थे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर ना हमने बाकी सब्जेक्ट से बहुत कुछ लिया ठीक है बाकी सब्जेक्ट से बहुत कुछ लिया वो अभी आ, आप देखोगे कि हमने इकोनॉमिक्स से बहुत कुछ लिया हमने पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ सामान उठाया तो बहुत कुछ उठाया ठीक है जी और जैसे जैसे ये सब्जेक्ट डेवलप हो रहा था ना ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर तो इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्टिव एरियाज हमने डेवलप किए अलग अलग सब्जेक्टिव एरियाज हमने डेवलप किए जैसे कि इंप्लॉयमेंट मैनेजमेंट लेबर मैनेजमेंट पर्सनल मैनेजमेंट लेबर रिलेशन ठीक है इंडस्ट्रियल रिलेशन इंप्लायमेंट रिलेशन एंड अल्टीमेटली ओवर द टाइम हमने इसको एक ब्रॉड सब्जेक्ट के अंदर कंपाइल कर दिया ठीक है आई के अगर, अगर हम हम स्कोप की बात करें तो देखो आई के दो मेनली काम है आई आर इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाई दो चीजों को संभालने के लिए है। एक तो कन्फ्लिक्ट कि कैसे इंप्लॉयर और इंप्लॉय के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको खत्म किया जाए और दूसरा कॉपरेशन कन्फ्लिक्ट खत्म करना सिर्फ हमारा काम नहीं है एक होता है कि दो लोग लड़ नहीं रहे ठीक है पर उससे क्या आपकी तरक्की हो जाएगी नहीं आपकी तरक्की तब तक, तक नहीं होगी जब तक वो दो लोग एक साथ मिलकर के काम नहीं कर रहे ठीक है सो आई आर इज नॉट ओनली अबाउट अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट ठीक है कंफ्लिक्ट तो आप अवॉइड कर दोगे दो लोगों को दो अलग अलग कमरों में बिठा दो और उनको बोल दो कि भाई तुमने एक से बात नहीं करनी तुमने एक दूसरे के कमरे में नहीं जाना कंफ्लिक खत्म हो गया पर उनका कॉपरेशन भी तो जरूरी है जब तक कॉपरेट नहीं करेंगे तब तक कैसे काम नहीं होगा जब तक इंप्लॉयर और इंप्लॉय कॉपरेट नहीं करेंगे तब तक काम हो ही नहीं सकता तो कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो अल्टीमेटली पर्पज आई आर का यही है कि कंफ्लिक्ट को प्रिवेंट करना है और कॉपरेशन को प्रमोट करना है और इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग ठीक है कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली क्या बोलता है कि यार जब इंप्लॉयर और इंप्लॉयी टेबल पे बैठते हैं ना तो उनको जो है एडमिट नहीं होना कि बस मेरे को मेरी ही बात मनवानी है ठीक है वो कलेक्टिवली इंप्लॉई कुछ बात इंप्लॉयर की मानेंगे इंप्लॉयर कुछ बात इंप्लॉय की मानेंगे एंड दे विल ट्राई टू फाइंड अ पाथ ठीक है कलेक्टिव बार्गेनिंग ये होता है उसके बाद दूसरा इसके अंदर फंडा आ जाता है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में हम क्या बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है ना जो इंप्लॉयर है वो सिर्फ ऑर्डर ना चलाए इंप्लॉयज के ऊपर कुछ चीजों में इंप्लॉइज की पार्टिसिपेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है वो उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें प्रॉब्लम सॉल्विंग में टेबल पे इंप्लॉय को भी बिठा ले कि हाँ भी बता कैसे होगा जॉइंट कंसल्टेशन करे तो उससे क्या होता है एक इंप्लॉय को फीलिंग मिलती है कि हाँ यार आई एम पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और जो वेब्स हैं जो आपके सिडनी और बेट्राइस वेब्स हैं उन्होंने भी इसको प्रमोट किया है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी अपनी किताब के अंदर कि अगर आप एक लॉन्ग और लास्टिंग सुख सुखी एक जीवन एक सुखी रिलेशन जो है इंडस्ट्रियल

अनहेल्दी रिलेशन हमें अवॉइड करना है इंडस्ट्री के अंदर ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्राइक हो रही है या वर्कर जानबूझ करके धीमा काम कर रहे हैं मैनेजमेंट के घेराव हो रहे हैं स्ट्राइक्स हो रही है लॉकआउट हो रहे हैं वो सब अवॉइड करना है और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है तो ये मेनली आपके ऑब्जेक्टिव हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर के अंदर आ सकते हैं दैट इज योर अप्रोचेस टू आईआर ठीक है अप्रोचेस टू आईआर की जब हम बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईआर के अंदर हमने वेरियस सब्जेक्ट से एनरिचमेंट करा इकोनॉमिक सोशियोलॉजी साइकोलॉजी पॉलिटिक्स हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ डाला नाउ देयर इज अ पर्सन एक्सपर्ट कॉल्ड जेरोम जोसेफ जेरोम जोसेफ ने जो वेरियस अप्रोचेस है ना आई की इनको दो परस्पेक्टिव में डिवाइड कर दिया दो परेक्टिव कौन से है? एक है हैं? एक इन्होंने बोला कॉन्ट्राडिक्शन परस्पेक्टिव और दूसरा इन्होंने बोला ऑर्डरलीनेस परलीनेस परली कॉन्ट्राडिक्शन परस्पेक्टिव किस चीज के ऊपर फोकस करता है ये मैक्रो लेवल के ऊपर यानी कि इंडस्ट्री एज अ होल इकोनॉमी एज अ होल के ऊपर फोकस करता है ये बोलता है कि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर बहुत सारे इंबैलेंसेस हैं इंप्लॉयर और वर्किंग क्लास के अंदर इंप्लॉयर कैपिटलिस्ट है वो अपना बेनिफिट देख रहा है और इस चक्कर में वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉय हो रहा है ठीक है अब ये क्या बोलता है जो है ये क्या कहता है कि जो ट्रेड यूनियनिज्म है या जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है या जो वर्कर्स का पॉलिटिकल पावर की हम बात कर रहे हैं वो हम इस पावर इन बैलेंस को रिस्टोर करना चाहते हैं हम पावर बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो इनको कम करने में हेल्प करेंगे जिससे एक सोसाइटी के अंदर पावर बैलेंस स्टैब्लिश होगा ठीक है तो ये बेसिकली पावर बैलेंस स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है अब कॉन्ट्राडिक्शन परस्पेक्टिव के अंदर तीन मेन अप्रोचेस आ जाती हैं। आपकी मार्क्सियन रेडिकल अप्रोच मॉडरेट सोशलिस्ट अप्रोच सोशल एक्शन अप्रोच इन सारी अप्रोचेस को हम एक एक करके समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड ठीक है अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन परस्पेक्टिव क्या है और आपका ऑर्डरलीनेस पर क्या है लेकिन इतनी सी नॉलेज में से भी आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के अंदर इस तरीके से फॉर्म हो सकता है अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्राडिक्टिव प्रस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच विच अमंग इज कॉन्ट्राडिक्टिव पर मार्क्सियन रेडिकल अप्रोच ऑप्शन बी द मॉडरेट सोशलिस्ट अप्रोच ऑप्शन सी द सोशल एक्शन अप्रोच ऑप्शन डी विल बल ऑफ द अब सो वट विल बी द राइट आंसर ओवर हेयर गाइस अभी हमने देखा ये तीनों की तीनों अप्रोचेज है अभी डिटेल में हमने इसको डिस्कस करना है लेकिन क्वेश्चन बन गया एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया और पेपर के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्डरलीनेस पर क्या कहता है कि देखो एक तो हो गया मैक्रो कि आप एज अ इकोनॉमी बात कर रहे हो दूसरा हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स में हम देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजिक फंक्शन ऑपरेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं और ये बॉटल नेक्स भी बन जाती हैं तो बेसिकली इसके अंदर क्या बोला जाता है कि देखो बहुत सारे प्रोसीजरल इश्यूज होते हैं और लॉज और रूल्स जो वर्किंग क्लास ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करते हैं ठीक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर एक ऑर्डरलीनेस स्टैब्लिश करने के अंदर ताकि जो इंडस्ट्री है वो बूम कर सके जब हम ऑर्डरलीनेस परस्पेक्टिव की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये सारी छह अप्रोचेज मेनली कवर अप करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच सिस्टम अप्रोच ऑक्सफोर्ड अप्रोच ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के के एम फ्रेमवर्क एंड द गांधीयन अप्रोच तो ये छह अप्रोचेस हमारी ऑर्डरलीनेस आ जाती हैं जैसे मैंने अभी आपको ये पीछे क्वेश्चन दिखाया ना सिमिलरली वो ऑर्डरलीनेस का भी पूछ सकता है नॉ फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पर चेंज कर देता विच अमंग नॉट दाडिक्टिव परेशन और डी की जगह यहां पर आपका ऑप्शन में डाल देता फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड अप्रोच यहां पर ऑक्सफोर्ड अप्रोच लिख देता तो आपका आंसर क्या हो जाता अब वो आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कॉन्ट्राडिक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सफोर्ड अप्रोच हो जाएगा तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर ठीक है चलिए

चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे साथ के साथ ठीक है और जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जाकर के नाइनटी नाइन रुपीज पे करके उसको परचेज कर सकते हैं कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं मेल कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइड